ईपीएफओ ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। अब नौकरी पेशा लोगों को पहले से ज्यादा ब्याज मिलेगा। ब्याज की ये दर 8.15% की होगी और इससे पहले 2021-22 के लिए ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.1% ब्याज दर को मंजूरी दी थी। ये 4 दशक की सबसे कम ब्याज दर थी। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के टॉप निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी ने मंगलवार को अपनी बैठक में 2022-23 के लिए ईपीएफ पर 8.15% ब्याज दर देने का फैसला किया। सीबीटी के फैसले के बाद 2022-23 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर सहमति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी। सरकार के समर्थन के बाद 2022-23 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर ईपीएफओ के करीबन 6 करोड़ से अधिक ग्राहकों के खातों में जमा की जाएगी। आपको बता दें, ईपीएफओ सरकार के द्वारा वित्त मंत्रालय के माध्यम से इसकी पुष्टि करने के बाद ही ब्याज दर देता है। मार्च 2020 में ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को घटाकर 7 साल के निचले स्तर यानी 8.50% पर कर दिया था। 1 साल पहले यानी वित्त वर्ष 2018-19 में ब्याज दर की 8.65% थी, तो वहीं ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2016-17 में अपने ग्राहकों को 8.65% और 2017-18 में 8.55% ब्याज दर की थी। वित्त वर्ष 2015-16 में ब्याज दर 8.80% थी, जो दशक की सबसे ज्यादा ब्याज दर है। इसके अलावा रिटायरमेंट फंड बॉडी यानी ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2013-14 के साथ साथ वित्त वर्ष 2014-15 में 8.75% ब्याज दिया था, जो 2012-13 के 8.50% से ज्यादा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप अपना पीएफ बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। आप अपने पीएफ अकाउंट का पासबुक घर बैठे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका ब्याज का पैसा आया है या नहीं। इसके लिए कई तरीके हैं। इसे आप एसएमएस या फिर मिस कॉल के जरिए भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैसेज के लिए 7738299899 नंबर पर EPFOHOUANENG लिखकर भेजना होगा। वहीं 9966044425 मिस कॉल भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।